हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जॉइन फॉर स्मार्ट आंसर। सो गाइज, आरआरबी जेई की रिजल्ट आ चुकी है। भुवनेश्वर जोन की यहाँ पर डीवी की शेड्यूल भी जारी हो चुकी है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भुवनेश्वर जोन के जो शेड्यूल डीवी की जारी की गई है वो रोल नंबर वाइज आपका यहाँ पर जारी की गई है, और रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट भी मैंसन कर दिया गया है कौन सा शिफ्ट में है, तो ये भी देख लेंगे यहाँ पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन रेलवे से रिगार्डिंग या किसी भी एग्जाम से रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए, ठीक है। और अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया या कट ऑफ आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया तो ऊपर इन स्क्रीन पर आपको यहाँ पर लगा हुआ है, आप जरूर से देख लेना अपना कट ऑफ कैसे यहाँ पर चेक किया जाता है, मैंने बताया है, ठीक है। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी मैंने आई बटन में लगा दिया है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं गाइस यहाँ पर क्या दिया गया। सबसे पहले आप देख सकते हो द शेड्यूल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ जेई डीएमएस अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस। देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपकी डेट क्या है, तो 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आपका यहाँ पर डीवी का शेड्यूल चलने वाला है, ठीक है। ये डीवी का फुल शेड्यूल है। आप इतने दिन के बीच में जाकर जब भी आपका टाइमिंग हो उस टाइम पर जाकर आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। नीचे देख सकते हो द रॉल नंबर्स आर अरेंजेड इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड नॉट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट, ठीक है। तो यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, मेरिट के अकॉर्डिंग नहीं आपका रोल नंबर अरेंज किया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करें कि नीचे में यहाँ पर क्या मेंशन किया है, ये आपकी एड्रेस पिन कोड के साथ मेंशन कर दी गई है कि आपको भुवनेश्वर में कहाँ पर जाना है, ठीक है। ऑफिस ऑफ रेलवे यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर फुल मेंशन किया गया कि आपको कहाँ पर भुवनेश्वर में जाना है, और साथ ही साथ आपके ईमेल आईडी पर भी मैसेज किया जाएगा, ठीक है, कि आपको डीवी के लिए कहाँ पर आना है, ओके। आप नीचे देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर जो मेंशन किया गया है कि आपकी जो मेडिकल की एग्ज़ाम होने वाली है, आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डीवी, जो आपका मेडिकल होने वाला है वो नेक्स्ट डे ऑफ डीवी होगा, मतलब डीवी आपने दिया उसके अगले दिन ही आपकी मेडिकल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करें नीचे, तो नीचे देख सकते हो कैंडिडेट विल बी एबल टू डाउनलोड देयर इकॉल लेटर फॉर डीवी थ्रू द लिंक विच विल बी प्रोवाइड इन द वेबसाइट, ठीक है। तो ये जो आपको लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा वेबसाइट पे, 5 नवंबर को आपका लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा, वहाँ से आप ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो डीवी के लिए। अब नीचे आओ, नीचे यहाँ पर देख सकते हो अगर आप यहाँ पर मेंशन किया गया नंबर 5 में, अगर आप फेल होते हो अपने डेट पर, जो भी आपका यहाँ पर डेट है, अगर उस डेट पर आप नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाते हो तो आपको एक लास्ट चांस दिया जाएगा, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो 29 नवंबर आपका यहाँ पर लास्ट डेट ब्लॉक डेट होने वाला है, अगर आप इस डे पे भी नहीं जा पाते तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मेंशन किया गया, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेकर जाते हो कि आपने अपने डेट पे क्यों नहीं अपियर हो पाए, तो इस डेट पे आप जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हो। और क्या एविडेंस लेकर जाना, जैसे कि आपको कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो गया या गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो गया, इसके कारण अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छूट रहा है तो इस डेट पे आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है। अब आपके सामने यहाँ पर आपके रोल नंबर वाइज यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट, ठीक है, ये देख लो आपकी रिपोर्टिंग टाइम एंड डेट रोल नंबर वाइज मेंशन कर दिया गया है। तो आप इन डेट पर जाकर, इन टाइमिंग पर आपका जिसका भी रोल नंबर है इसमें, वो जाकर जरूर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा ले, देख सकते हो यहाँ पर भी मेंशन कर दिया गया, तो मैं वन बाई वन करके सबको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देख लो 19 नवंबर का है, ठीक है, ये 20 नवंबर का है। अब यहाँ पर देखो 21 नवंबर का, 21 नवंबर, 25 नवंबर, ये सब आपके शेड्यूल है डीवी के, जो जिनके भी इसमें रोल नंबर है, स्टेट पे एंड टाइम पे जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवा लेना। यहाँ पर देख लो, तो ये आपके यहाँ पर लास्ट है, ठीक है, देख लो। उसके बाद बात करें कितना सिलेक्शन हुआ है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर डीवी, तो आप देख सकते हो 385 आपका यहाँ पर टोटल सिलेक्शन किया गया है भुवनेश्वर जोन में डीवी के लिए, ठीक है। अब बात करें अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगने वाला है, तो आई बटन में मैंने पहले ही आपको बता दिया, ऊपर आई बटन में मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा वो लगा दिया है, तो आप एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।